ओम शांति ओम शांति मैं मेरे शरीर का नाम मीनू और मैं ज्ञान में आई हूँ ट्वेंटी नाइन अक्टूबर दो हजार पंद्रह में और उससे मतलब कि मेरे जीवन में जब से मैं ज्ञान में आई हूँ बहुत चेंज आए हैं मैं पहले जैसे गई पहले मैं मानती नहीं थी किसी को भी कहीं नहीं जाती थी तो भी घर में रहना जैसे गुस्सा करना सब तोड़फोड़ करना कुछ भी बहुत था मेरे मन में है ना तो बस ऐसे ही हमारे घर के आगे से एक निकलते थे वाइट सूट वाले तो मैं उनको पूछती कि आप कहाँ जाते हो वो कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं तो मैंने पूछा भी आप भी वहाँ पे ऐसे आने देते हैं किसी को भी कहते हैं हाँ, कोई भी आ सकता है तो मैं फिर गई उनके साथ एक दिन गई मैं तो पता नहीं जैसे ही गई मैं अंदर जैसे सामने बाबा का फोटो था कुछ भी तो पता नहीं ऐसे खींचा बाबा ने मेरे को कि मैं दिल ही ना करे वहाँ से आने को मन ही नहीं करा मेरा अभी वापस जाऊँ मैं अपने घर तो ऐसे मैं शाम को जैसे मुरली होती है या जैसे भी तो मैं मुरली में भी जाना शुरू किया तो दीदी ने बोला कि नहीं मुरली में अभी नहीं अभी, अभी सात दिन का कोर्स होता है तो उसके बाद आना होता है तो मैं कह नहीं मैं तो आज से ही आऊँगी तो मैं जाना शुरू किया तो बेटे को बताया उसको भी अच्छा लगा वो भी कहता नहीं मम्मी मैं तो पहले दिन ही देखो उसने संकल्प किया कि नहीं मैं तो मम्मी बस यही राह चुन ली है तो भी इसी में आगे बढ़ूँगा तो ऐसे ऐसे करते जैसे, जैसे जैसे बस उसकी पढ़ाई में सबसे अच्छा मतलब कि जाता था वो फर्स्ट आता था, रहा वो तो मतलब कि बाबा की इतनी वो रही ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तो आज जैसे अपनी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ बहुत बहनों ने मेरे को सहयोग दिया ज्ञान से मैं पटियाला में से चली हूँ ज्ञान पे पर बहनों ने वहाँ पे भी यहाँ पे भी मेरे को बहुत सहयोग मिला उनका अनुभव का ये है कि देखो जैसे स्नातकों के बेटा एक बार दिल्ली गया जैसे या कहीं भी तो कहते मम्मा मेरे को भूख लगी है या, या कुछ भी है खाने को नहीं है घर से जैसे खाना बना के दे दिया तो मैं कहा नहीं तो बाबा को याद कर तो उसी टाइम उसने कहता हाँ मम्मी ये तो बड़ा कमाल हो गई कहता बाबा को याद किया कहता सामने मेरे को टीचर बहन दिखी तो मैं उनके साथ क्या कहता ये तो बड़ा कमाल हुआ और बहुत अच्छा लगा मेरे को उनको खाना खिलाया ये वो तो मतलब कि इतने मैंने जिंदगी में वो किए हैं कि जितना मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल था वो सारा बाबा के घर आने से वो स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं लगता वो जैसे मतलब कि अब अच्छा लगता है वैसे होता है कि मैंने कैसे पार कर लिया मेरे को कुछ पता ही नहीं चला कि बाबा ने कैसे मेरा सारा पार करा दिया तो अब भी जैसे मैंने बाबा की बस उससे ही बेटे को जॉब मिली है अब उसकी देखो एक साल हुआ है तो अब प्रमोशन भी हो चुकी है तो अभी जैसे पिछले साल था मैंने बाबा से बोला कि बाबा अगर मेरे को इस वर्ना ना मिला तो मैं कभी नहीं आऊँगी तो मैं तो आना नहीं है मेरे को बहुत वो हो चुकी हो तो मतलब कि इतना बाबा से मैंने वो किया पिछले साल शिवरात्रि पे झंडा मेरे घर में झंडा होना चाहिए तो ऐसी इस साल जब अब हमें पीछे दो महीने हम गए मधुबन जाना था तो उससे एक दिन पहले मेरे घर का पक्का हुआ जैसे सारा बयाना वगैरह जो भी होता हुआ तो मैं दीदी को बोल रही हूँ कि दीदी अभी मैं थोड़ी देर रुक के जाऊँगी मैं अभी नहीं जा रही हूँ पता नहीं बाबा ने ऐसे खींचा मेरे को कि नहीं अभी आना है देखो एक दिन में मैंने तैयारी करके पता नहीं कैसे कैसे मैं मधुबन पहुंच गई मतलब कि बाबा ने अपना बाबा ने देखा कि जो वादा मेरे से किया तो वादा पूरा नहीं कर रही है तो पीछे हट रही है तो नहीं बाबा ने मेरे को खुद बुला लिया तो ऐसे मेरे को मतलब कि बहुत अच्छा होता है तो जैसे बहनों का बहुत सहयोग मिलता है बहुत